नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ यूडाइज का पार्ट 3, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। यूडाइज में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ का क्या बनना है कि मैं आपको आज बताऊंगा। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में 3.1 सेक्शन में नॉन टीचिंग स्टाफ की डिटेल भरी नहीं है। यहाँ पे आपको बताना ही है सिर्फ नंबर ऑफ स्टाफ इन पोजीशन बताने हैं। अकाउंटेंट कितने हैं, लाइब्रेरी असिस्टेंट कितने हैं, लेबॉरेटरी असिस्टेंट कितने हैं, यूडीसी हेड क्लर्क, एलडीसी, पीएन, एमटीएस, नाइट वॉचमैन, इनकी आपने गिनती ही बतानी है कितने स्टाफ मेंबर्स जो हैं वर्किंग में हैं। 3.2 में आपके भरने हैं कि आपके टोटल रेगुलर टीचर कितने हैं वर्किंग में, और कॉन्ट्रैक्ट के टीचर कितने हैं वर्किंग में, पार्ट टाइम टीचर कितने हैं वर्किंग में। ये आपने 3.2 टेबल में फिलअप करना है। 3.1 में नॉन टीचिंग, 3.2 में टीचिंग, और उसके बाद आ जाता है हमारा 3.3, जो हमारा टीचर का टेबल होता है, जो सबसे मेन फॉर्मेट है हमारा यूडाइज में। तो इसमें इसको भरते वक्त कई बार हमारे स्कूल जो है काफ़ी गलती कर देते हैं, तो आज उन गलतियों को भी हम देखेंगे कि क्या क्या गलतियां हैं, उनको कैसे ओवरकम करना है। तो शुरू करते हैं हम। जो सबसे पहले आ जाता है हमारा सीरियल नंबर। अब ये मैं आपको बता दूं कि नए टीचर के लिए आपको ये परफॉर्मा भरना पड़ेगा। पुराने टीचर का परफॉर्मा आपको पहले से प्रीफिल्ड आ जाएगा, लेकिन अगर उसमें कोई करेक्शन है तो मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि आप उस टीचर को स्टॉक ऑफ करके नए सिरे से नई एंट्री कर दें, ताकि हमारी जो गलती है करेक्शन के ऊपर जब हम ओवरराइट करते हैं, तो वो गलती जो है हमारी दोबारा से जो है प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला कॉलम जो है टीचर का कोड। अगर हमारे पास कोई टीचर का कोड हमने क्रिएट किया हुआ है, हमारे पास कोई टीचर कोड अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे अपना टीचर का कोड जो है वो ऐड कर देंगे। जैसे कि कई स्कूल्स में होता है कि यूनिक टीचर आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर कोड को ही रखा होता है, वैसे इस सिस्टम में अगर इन केस अवेलेबल है तो आप भर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कॉलम है आधार नंबर का। आधार नंबर में हमारा जो आधार नंबर है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आधार नंबर मैंडेटरी कर दिया गया आधार एक्ट के तहत, तो हमने अपना आधार नंबर जो है वो फिल कर लेना है। आधार नंबर फिल करने के बाद हमें ये देख लेना है कि हमारा आधार नंबर 12 डिजिट का ही हो, क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम कई बार आती है डाटा कलेक्ट करते वक्त वो ये होती है कि आधार नंबर जो है वो 12 डिजिट का ना होकर कई बार 11 का हो जाता है, कई बार 13 का हो जाता है, कईयों ने अपनी इनरोलमेंट आईडी ही लिख दी होती है, जबकि हम यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि आधार नंबर ही फिल करना है। इन केस अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है देन आपने नहीं फिल करना है। कई बार क्या होता है कि कई स्कूल की तरफ से यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख के भेज दिया जाता है। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को ध्यान रखें और आधार नंबर में सिर्फ आधार नंबर ही फिल करके भेजें। उसके बाद आ जाता है नेम ऑफ टीचर। टीचर का जो भी नाम है कंप्लीट नेम वो आ जाएगा एज पर रिकॉर्ड। नेक्स्ट आता है जेंडर। जेंडर में अब तीन ऑप्शन है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। तो हर एक का अलग अलग कोड है। जो भी आपका कोड होगा वो आपने यहाँ पे कोड ही फिल करना है, यहाँ पे पर्टिकुलर एम एफ ये ऐसे लिखना नहीं है, आपने यहाँ पे मेंशन करना 1, 2 या 3। उसके बाद आ जाता है पांचवा कॉलम डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ के कॉलम में आपने का फॉर्मेट है DDMMYY। तो इस फॉर्मेट को काइंडली फॉलो करें। अपनी तरफ से मंथ पहले कर लिया, डे बाद कर दी, या ईयर पहले कर लिया, ऐसी चीज़ें ना करें। काइंडली ये फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है, इस फॉर्मेट को फॉलो करें, क्योंकि इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो एंट्री करने वाला स्टाफ है उन्होंने कोई भी एंट्री कर देनी है, जो भी उनको गलत लगी उन्होंने एज इट इज़ एंटर कर देना है, क्योंकि डाटा एंट्री जो स्टाफ होता है उन्होंने सिर्फ एंट्री करनी होती है, उन्होंने जो रिकॉर्ड लिखा है एज इट इज़ उन्होंने सिस्टम में डाल देना होता है। तो कई बार क्या होता है चेक लगे होने की वजह से ये सिस्टम कई बार उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है कि मंथ पहले लिख दिया जाता है, डे बाद में लिख दिया जाता है, उस केस में प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जिनका मंथ तो जो है डे जो है अगर वो 12 तारीख से नीचे आ जाता है तो वो पहले लिख देते हैं डे मंथ अपना। तो उनमें क्या होता है कि जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ कि जैसे मैं कहता हूँ कि 6 जनवरी 1980, ये 6 जनवरी 1980 छः जो तारीख जो है वो हो गई। अब इसे कई लोग लिख देते हैं जनवरी पहले, जनवरी 6, 1980। तो उसमें क्या हो गया, उसने डेट मान ली 1, महीना मान लिया 6, 1980, यानी कि वो तो 6 महीने का फर्क पड़ गया। अब यहाँ पे 6 महीने का फर्क आ गया। सो इस बात का ध्यान रखें कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट को हम फॉलो करें। उसके बाद आ जाता है 6 से 6th कॉलम में
सोशल कैटेगरी। अब यहाँ पे सोशल कैटेगरी में क्या हमने फिल करना है, कोड फिल करना है, पर कौन सा कोड फिल करना है। अब यहाँ पे नंबर दिया गया है सिक्स्थ। अब इसी नंबर को डिफाइन यहाँ पे नीचे किया गया है सिक्स्थ नंबर में सोशल कैटेगरी में, कि सोशल कैटेगरी कौन कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ओआरसी है, अदर है। तो जो भी कैटेगरी है अपने एम्प्लॉय की, उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी उसका कोड है वो यहाँ से हमने पिक कर लेना है और यहाँ पे हमने फिल कर देना है। उसके बाद आ जाता है सात नंबर कॉलम में टाइप ऑफ टीचर। सात नंबर यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया टाइप ऑफ टीचर में हेड टीचर है, एक्टिंग एज ए हेड टीचर है, इंस्ट्रक्टर है, प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, लेक्चरर है, जो भी टीचर की कैटेगरी है हमने यहाँ पे टाइप ऑफ टीचर में कोड उसका जो है फिल कर देना है। उसके बाद आ जाता है नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आठ नंबर में। आठ नंबर नीचे मेंशन किया गया, यहाँ पे देखे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट में रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट टाइम, जो भी कोड बनता है हमने यहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस नाइन्थ कॉलम है, इसमें हमने ईयर फिल करना है, डेट फिल करनी है, एक प्रॉपर डेट है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है DDMMYY, तो ये DDMMYY फॉर्मेट ही फॉलो कर लें रादर देन कि अपनी तरफ से कोई अलग से फॉर्मेट यूज़ करें। उसके बाद आ जाता है क्वालिफिकेशन एकेडमिक और प्रोफेशनल। एकेडमिक में देखेंगे हम जो कि 10 नंबर 22 नंबर 23 नंबर और 24 नंबर पे सेम ही है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बिलो सेकेंडरी है, एक आएगा सेकेंडरी में, दो हायर सेकेंडरी में, तीन ग्रेजुएट में, चार पोस्ट ग्रेजुएट में, पाँच एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट। तो जो भी हमारी एकेडमिक है वो यहाँ पे फिल कर लेनी है। ऐसे ही प्रोफेशनल 11 नंबर पे है, प्रोफेशनल में चूज़ कर लेना है, वो यहाँ पे हमने फिल कर लेना है। तो जो भी हम यहाँ पे फिल करना चाहें वो कर सकते हैं। तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि हमारे एकेडमिक में हम चूज़ कर लेते हैं कि जो एम्प्लॉय है हमारा वो प्लस टू कर रहा है, हाइस्ट क्वालिफिकेशन उसकी प्लस टू है, या सेकेंडरी कर लेते हैं, और यहाँ पे प्रोफेशनल में हम बीएड शो कर देते हैं, जो कि सरासर गलत चीज़ है। अगर एकेडमिक में उसने ग्रेजुएशन नहीं की है तो वो बीएड नहीं कर सकता। सो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि भरते वक्त कि जो हमने यहाँ पे डिटेल फिल की है वो आपस में क्रॉस वेरीफाई करने पर वैलिडेट करती हो, क्योंकि हमारे सिस्टम पे चेक लगे होते हैं, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कई बार क्या होता है वो उसे बाईपास करके भी अगर सेव कर लेता तो वो इन्फॉर्मेशन जो है गलत रिकॉर्ड ही गवर्नमेंट के पास चला जाता है या पॉलिसी मेकर के पास जा रहा है। सो इस बात का ध्यान रखें, हम अपनी प्रॉपर जो है सही जानकारी फिलअप करें ताकि जो अपनी पॉलिसी मेकर के पास जा रही है इन्फॉर्मेशन वो प्रॉपर जाए, सही जाए। उसके बाद आ जाता है हमारा क्लास रोट। क्लास रोट में आ जाता है हमारा 12 नंबर कॉलम में यहाँ पे है प्राइमरी के लिए एक, अपर प्राइमरी के लिए दो, और जो भी यहाँ पे है वो यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे ये ज़रूर देख लेना कि लेक्चरर जो है वो प्राइमरी कैडर को नहीं पढ़ाते। कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पे शो कर देते हैं कि टीचर की टाइप है लेक्चरर या प्रिंसिपल और वो टीच कर रहा है प्राइमरी क्लासेस को। सो इस तरह के कम्बिनेशन का भी ध्यान रखें। अगर तो आपके स्कूल में पढ़ाते हैं लेक्चरर तो हम नहीं कुछ कहते वैसे, बट ये कम्बिनेशन जो है वो नहीं बनता, वो वैलिड नहीं बनता। लेक्चरर हमेशा प्लस वन प्लस टू के लिए होते हैं। सो इस बात का ध्यान ज़रूर दें। उसके बाद आ जाता है अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। अब नीचे से सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है, 13 नंबर कहाँ पे है, अब 13 नंबर हम देख लेंगे नीचे कहाँ पे दिया गया है। अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट के लिए 13 नंबर, अब नीचे 13 नंबर, तो ये मेरे ख्याल से प्रिंटिंग में ओमिट हो गया है। ये 13, 14 और 15 जो है सब्जेक्ट में इसमें आ जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए अपॉइंटमेंट हुई है। इसमें अपॉइंटेड सब्जेक्ट जो है वो हमने यहाँ से चूज़ कर लेना है, जो भी उसका कोड है रिस्पेक्टिव उस कोड को हमने चूज़ कर लेना है। जैसे ऑल सब्जेक्ट के लिए एक है, लैंग्वेज के लिए दो है, मैथमेटिक्स के लिए तीन है। सो जो भी सब्जेक्ट की अपॉइंटमेंट हुई है तो वो हमने यहाँ पे चूज़ कर लेना है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट और कौन सा सब्जेक्ट वो टीच कर रहे हैं। अब ये ज़रूर ध्यान रखें कि अगर हमारी अपॉइंटमेंट हुई है हिस्ट्री के लिए तो हम लैंग्वेज टीच नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि लैंग्वेज हमारा सेकंड एडिशनल जो सब्जेक्ट है उसे हो, लेकिन हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट जो प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट है वो वही होगा जो इसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट हुई है। अगर हम कह लें कि हमारी बायोलॉजी के लिए अपॉइंटमेंट हुई है तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा, सेकंड सब्जेक्ट में हम फिजिक्स कर सकते हैं या केमिस्ट्री कर सकते हैं। सो ये बात का ध्यान ज़रूर रखें। उसके
उसके बाद 16, 17, 18 और 19 नंबर कॉलम जो है यहाँ पे हमने भरना है कि अगर टीचर की कोई भी ट्रेनिंग लगी है, अगर बीआरसी लेवल की ट्रेनिंग लगी है, सीआरसी की, डाइट की, या अदर किसी भी लेवल की ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग लगी है, तो यहाँ पे हमने भरने हैं कि कितने नंबर ऑफ डेज उसकी ट्रेनिंग जो है लास्ट एकेडमिक सेशन में लगी हुई है, तो यहाँ पे हम उसके डेज भर लेंगे। उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई ट्रेनिंग नीडेड है तो यहाँ पे ट्रेनिंग नीड का हम कॉलम चूज कर लेंगे तो उसमें बता देंगे। उसके बाद आ जाता है कि नंबर ऑफ वर्किंग डे स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट, कि अगर कोई टीचर की नॉन टीचिंग असाइनमेंट पे ड्यूटी लगी है लास्ट एकेडमिक सेशन में, तो उसके नंबर ऑफ डेज कितने लगे हैं नॉन टीचिंग वर्क पे, वो हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है कि जो टीचर है उसने मैथ्स, इंग्लिश, सोशल स्टडीज कहाँ तक पढ़ी है। अब यहाँ पे काफ़ी स्कूल गलती कर देते हैं कि यहाँ पे एकेडमिक में हम शो कर देते हैं कि उसने ग्रेजुएशन तक किया हुआ है, प्रोफेशनल में कर देते हैं बीएड किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम शो कर देते हैं कि उसने पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टरेट लेवल तक मैथमेटिक्स, इंग्लिश या सोशल स्टडीज़ पढ़ी हुई है। सो ये आपस में क्रॉस वेरीफाई नहीं करता। सो इसका ध्यान रखें जब भी आप भरें कि आपस में क्रॉस वेरीफाई करते हो। वर्किंग इन अ प्रेजेंट स्कूल सिंस यहाँ पे ईयर फिल करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो गलती करते हैं मोस्टली स्कूल वो ये कर देते हैं कि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस तो कर देते हैं 2016, जैसे फॉर एग्जांपल 2016 कर देते हैं, वर्किंग इन स्कूल कर देते हैं 2015, 2012। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपनी प्रेजेंट स्कूल में वर्किंग जो है वो अकॉर्डिंग टू सर्विस के अकॉर्डिंग ही देखें, कि ये ना हो कि आप उससे पहले डाल दें या गलत डाल दें। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो नीचे 26 नंबर कॉलम में से आप चूज़ कर सकते हो कि जो भी आपके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल करती है, अगर नहीं करती देन आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो इसे। उसके बाद अगर टीचर हमारा ट्रेंड है CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्पेशल डिग्रीज एंड कोर्सेज होते हैं CWSN बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर हमारा बच्चा जो टीचर है वो स्पेशली ट्रेंड है तो उसे येस करेंगे, अदरवाइज इसे हम नो कर देंगे, इसके कि हमारा जो हम कर देंगे कि हमारा जो टीचर है वो ट्रेंड है या नहीं, उसे अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज कर लें। उसके बाद आ जाता है कि ट्रेंड यूज़ ट्रेंड इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड टीचिंग थ्रू कंप्यूटर, यानी कि हमारा जो टीचर है वो कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के यूज़ के साथ पढ़ाने के लिए ट्रेंड है या नहीं है वो चूज कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है मोबाइल नंबर, जो भी टीचर का मोबाइल नंबर है वो हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर टीचर का फिलअप कर देंगे, कि जो भी उसका मोबाइल नंबर होगा, और उसकी ईमेल आईडी, जो उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी वो यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम एंटर कर देंगे। सो दोस्तों इसके साथ ही हमारा पार्ट 3 जो है टीचर का वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारा पार्ट 4 शुरू होता है, या सेक्शन 4 शुरू हो जाता है न्यू एडमिशन एंड एनरोलमेंट एंड रिपीटर का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में हमें आपको जो न्यू एडमिशन एंड एनरोलमेंट एंड रिपीटर के बारे में जो जानकारी है वो बताऊँगा वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।